एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताई है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि भारत का आर वैल्यू बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने देश के कुछ हिस्सों में त्वरित नियंत्रण रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया है। तीसरी लहर पर चिंता के बीच उनका ये बयान आया है। एम्स प्रमुख ने कहा कि 96 से शुरू होकर 1 तक जाना आर वैल्यू में वृद्धि चिंता का कारण है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक कोविड संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा हो गई है। डॉक्टर गुलेरिया ने समझाया कि जिन क्षेत्रों में ये उछाल देखा जा रहा है उन्हें प्रतिबंध लगाना चाहिए और ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति अपनानी चाहिए। आर फैक्टर या संख्या एक वायरस की प्रभावी प्रजनन की संख्या को दर्शाता है। देश में शुक्रवार को 44,230 कोरोना के नए संक्रमण मामले सामने आए हैं। 3 सप्ताह में एक दिन में दर्ज किया गया ये सबसे अधिक आंकड़ा है। मामलों में ताजा स्पाइक केरल और पूर्व पूर्वोत्तर राज्यों में चिंताजनक है और सरकार ने शनिवार को कहा है कि देश के 46 जिलों में सकारात्मकता दर 10% से अधिक है। इस हफ्ते अमेरिका के स्वास्थ्य प्राधिकरण रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा संक्रमण वायरस के अन्य सभी संक्रमणों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है और चिकन पॉक्स के रूप में भी आसानी से फैल सकता है। भारतीय संदर्भ में इसे समझते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि खसरा या चिकन पॉक्स में 8 या उससे अधिक का आर फैक्टर होता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति 8 अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस तरह से पता चलता है कि ये वायरस अत्यधिक संक्रामक है। हमने देखा कि दूसरी लहर में पूरे परिवार संक्रमित हो रहे थे। चिकन पॉक्स के साथ भी ऐसा ही होता है। इसी तरह जब एक व्यक्ति का डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होता है तो पूरा परिवार असुरक्षित होता है। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे जोर दिया कि केरल से आने वाले लगभग 50% ताजा कोविड मामलों के साथ संक्रमण में वृद्धि का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। शुरुआत में केरल ने महामारी को अच्छी तरह से प्रतिबंधित करके दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की थी। उनके पास एक अच्छा टीकाकरण अभियान भी था। इसके बावजूद देश के अन्य हिस्सों से अलग तरह से एक स्पाइक देखा जा रहा है, इसके मूल्यांकन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों को भी संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आक्रामक परीक्षण रणनीति अपनाने की जरूरत है। तमिलनाडु में 66% लोगों ने एंटीबॉडी विकसित की है, जैसे कि हाल ही में एक सीरो सर्वे में पता चला है। फिर भी राज्य में स्पाइक देखा जा रहा है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।